आज वारिसलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ और हमारे साथ देख सकते हैं वारिसलीगंज विधायिका अरुणा देवी हैं और अंजनी सिंह जी हैं और देख सकते हैं अजय दा जी हैं। सारे लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो है वारिसलीगंज में नए सिरे से जो है नया बिल्डिंग बना है और वारिसलीगंज विधायिका अरुणा देवी जी हैं। सबसे पहले इनसे जानने का प्रयास करेंगे नया बिल्डिंग बना है इसमें कैसा जो है इलाज होगा, पहले से अपेक्षा जो है कुछ अलग तरीके से इलाज होगा, इन सारे मुद्दों पर जो इनसे वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले मैम आपका स्वागत। हम लोग आज बहुत खुशी हैं और आज जो है केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी और मंगल पांडे जी का जो है हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आज बिहार के जितने स्वास्थ्य केंद्र है सभी को उद्घाटन किए और उसमें भी वारिसलीगंज है। और यहाँ जब हम आते थे तो प्रभारी जी बार बार कहते थे कि आपके रहते हुए में हॉस्पिटल नहीं बनेगा, इधर चूता है इधर टूटा है, लेकिन हम कहे प्रभारी जी कि आप निश्चिंत रहिए, स्वास्थ्य मंत्री मेरे जाने पहचाने हैं और हमरा रहते में नहीं बनेगा तो कभी नहीं बनेगा। नया आज जो है नया बिल्डिंग चमचमाता हुआ वारिसलीगंज में सब लोग देख रहे हैं, तो एक केंद्र और बिहार की दोनों सरकार की देन है। जब हम वहाँ गए तो मंगल पांडे जी बोले कि वहाँ तो PSC है माफ़ी में, हम बोले कि वो चलने वाला नहीं है, जो अब नहीं चल सकता है बिल्डिंग, जो वारिसलीगंज जो रेफरर है उसी को PSC नहीं CSC कर दीजिए। और आज जो है उन्हीं का दिया हुआ बिल्डिंग बना और पब्लिक सब खुश है बिल्डिंग बन देख के, लेकिन हम लोग का बिल्डिंग से खुश नहीं होना है। हम लोग का है कि सुचारू रूप से चले, 30 बेड का हॉस्पिटल बना है, उसमें डॉक्टर नर्स कंपाउंडर सभी स्टाफ जब व्यवस्थित रहेंगे तभी ना हम लोग का पब्लिक का इलाज होगा। और जब इलाज होगा तो लोगों जाते हैं पावापुरी चल, नवादा चल, पटना चल, तो उसके एवेज में नहीं जाना पड़े और वारिसलीगंज में एक उचित इलाज संभव हो और उचित इलाज मिले ताकि पब्लिक के 24 घंटा उपलब्ध रहेगा, तो हम लोग जो है अस्वस्थ रहेंगे कि ना पब्लिक जो है खुश है, पब्लिक स्वस्थ है, तब हम लोग ठीक है। नया बिल्डिंग तो मैम बन गया है लेकिन लोगों के अंदर वैसे नया मानसिकता कब आएगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग जो है कुछ भी होता है जो प्राइवेट हॉस्पिटल की जो है और अग्रसर होते हैं। वो आएगा जब सरकारी बिल्डिंग बना है, यहाँ जब सुनिश्चित हो जाएगा इलाज, जैसे पटना में PMCH है तो वहाँ पूरे बिहार के लोग जाते और वहाँ इलाज से संतुष्ट होते हैं कि नहीं होते, तो होते तो उसी तरह जो है जिला है प्रखंड है हर जगह जो है स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, इतने अच्छा हॉस्पिटल बना है, तो उसमें सरकार का तो रहेगा नज़र ना कि हमारा जो है डॉक्टर हो, नर्स हो, NM हो और जो कंपाउंडर हो सब स्टाफ नहीं रहेंगे तो हमारा इलाज संभव नहीं है। तो आप स्थानीय विधायिका हैं और कहीं ना कहीं लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि लोग जो है यहाँ बच के भाग। संदेश देते हैं कि 48 डॉक्टर हैं और इसमें डॉक्टर बढ़ाया जाएगा और जो भी स्टाफ का होगा वो हम स्वास्थ्य मंत्री से लिख के देंगे और यहाँ हम अपना जो स्थापित करने का काम करेंगे। बाकी देख सकते हैं कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। अजय सिंह जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं क्षेत्र में जो है काफ़ी इनका भी जो है चलता है, तो कहीं ना कहीं इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे सर नए अस्पताल के बारे में? अस्पताल खुला बहुत अच्छी बात है, यहाँ जो फैक्ट्री खुला है 30 बेड के अस्पताल से, 30 बेड के अस्पताल से कुछ नहीं होना है, उसमें इतना आदमी बढ़ेगा, उसका ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्टिंग बहुत सा बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए और बेड बढ़ाने की आवश्यकता है। फैक्ट्री खराब चीज़ नहीं है, लोग की मानसिकता कि हम प्रदूषण से मर जाएंगे, फलना डेली गाड़ी चलता है उससे पॉल्यूशन भी होता है, हर एक व्यक्ति एक एक वृक्ष लगा दे उससे पोल्यूशन मुक्त हो जाएगा। अभी तो सर हॉस्पिटल में थे लेकिन फैक्ट्री का थोड़ा सा मुद्दा आप ला दिए हैं। जी जी, जब हम अपने सरकार से 2000 से आज तक प्रतिनिधि हैं, चीनी मिल के लिए 25 बार विधानसभा में हम प्रश्न उठाए और मेरे बस की बात नहीं था कि यहाँ शुगर फैक्ट्री करवाते, तो सरकार का हुआ कि अडानी का कंपनी सीमेंट फैक्ट्री लगाए। लोगों में खुशी होना चाहिए कि जो भी उद्योग लगाए रोजगार लगा है, नवयुवक के लिए लगा है, किसान के लिए लगा है, मजदूर के लिए लगा है। और हम कितना जगह देखते तो कहाँ किसी का प्रदूषण होता आपके है। आपके क्षेत्रीय लोग में कुछ नाराजगी भी है? नाराजगी जो है दूर होते जाएगा, रोजगार मिलेगा ना। आप बगल में देखिए जमुआमा में जो है बायो डीजल का जो है प्रोजेक्ट जो हम शिलान्यास किए हैं, तो उससे छोटा छोटा जो है रोजगार मिलेगा ना लोगों का जो है, उसमें जो है समाहित किया जाएगा रोजो लोगों जो बिहार छोड़ कर दिल्ली पंजाब हरियाणा जाते हैं, तो लोगों को अगर यही बिहार में रोजगार मिल जाएगा तो दिल्ली हरियाणा पंजाब जाने से क्या आती है? नाराजगी नहीं है, पब्लिक की नाराजगी नहीं है, वो जो विरोधी हैं उनका काम ही नाराजगी जताना, इसलिए आम पब्लिक को नाराजगी नहीं है। सब सब जी धन्यवाद। बाकी देख सकते हैं अंजनी सिंह जी हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं क्या कहेंगे सर नए सिरे से हॉस्पिटल बना है। इस पर हम सबसे पहले
यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय अरुणा देवी जी को अपने तरफ से, साथ ही साथ बारिसलीगंज विधानसभा के जनता की तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामना और धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि जिनके प्रयास से, साथ ही साथ हम NDA सरकार को भी बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं किनके प्रयास से, हमारे स्थानीय विधायक के प्रयास से और सरकार के द्वारा हमारे पूरे जिला में पहला सौभाग्य हम लोगों को मिला है कि बारिसलीगंज में इतना सुंदर भवन बना है, इसके लिए इन लोगों को बधाई। और अभी हमारे सांसद महोदय आए थे और जैसा कि अभी माननीय विधायक जी बोल रही हैं कि लगभग 48 डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति यहाँ पे हो रही है और इतनी अच्छी व्यवस्था है, आप तो मीडिया के लोग हैं, आप देखे होंगे, ICU से लेकर NICU से लेकर सारी व्यवस्था है, लेबर रूम सारा कुछ है व्यवस्था यहाँ पे। तो हमारा कहने का मतलब हुआ कि हमारे क्षेत्र के लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ की सुव्यवस्थित व्यवस्था को देखते हुए कि हमें कहीं निजी अस्पताल में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चिकित्सा के क्षेत्र में हम एक क्रांति मानते हैं और इसके लिए हम अपने प्रतिनिधि का धन्यवाद। देख सकते हैं हमारे साथ अजय सिंह जी थे और प्रमुख साहब साहिबा थी, क्या क्या बोल रहे हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ के सभी क्षेत्र, हमारे बारसलीगंज के सभी जनता का खुशहाल रखना चाहिए कि जैसे कुल के आज बहुत खुशी का बात है कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा बना है, ये हॉस्पिटल बढ़िया से चले, सबके द्वार रहे कि हम सब जैसे जनता खुश रहे उसी तरह से हम सब खुश रहे। धन्यवाद। बाकी देख सकते हैं बारसलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये बिल्डिंग है, नई जो है नया तरीके से जो है कमेंट में बताएंगे। बाकी सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।